कोरोना काल में चाय उद्योग के लिए एक राहत भरी खबर आई है। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड 19 के कारण बनी परिस्थितियों के बीच इस साल कांगड़ा चाय की पैदावार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन के पहले दौर में चाय बागानों तक पहुंचने में लगी रोक से इस बार चाय उत्पादन का आंकड़ा प्रभावित हो सकता है। अब सरकार द्वारा दी गई राहत के साथ ही श्रमिक चाय बागानों में अप्रैल माह में चाय तोड़ने का सफल काम कर रहे हैं। इतना जरूरी है कि चाय बागान मालिकों को इस बार श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ रहा है। इससे इस बार चाय पत्ती तोड़ने में पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन इस साल का मौसम चाय के पौधों के लिए अच्छा माना जा रहा है। ये चाय का उत्पादन बरकरार रखने में अहम भूमिका अदा करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया पालमपुर के उपनिदेशक डॉक्टर अनुपम दास ने कहा कि चाय बागान मालिकों को इस बार श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ रहा है, इसलिए इस बार चाय पत्ती तोड़ने में पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन इस साल मौसम चाय के अनुकूल रहा है। ऐसे में कोविड 19 के कारण बनी परिस्थितियों के बावजूद 9 लाख किलो चाय पैदावार का आंकड़ा छू सकते हैं। इस साल बारिश और ठंडा इतना लंबा समय तक चला, इसके कारण में हम लोग का जो फर्स्ट क्लास वो डिले हो गया, तो इसके कारण में मैं समझता हूँ कि जैसे मार्च 31 में जब हम लोग का ज्यादातर फैक्ट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो अप्रैल थोड़ा पूरा ही आएगा, लेकिन हाँ जो मैन पावर अवेलेबिलिटी है उसको 50% करने के कारण में क्या होगा, जो स्पीड ऑफ प्लाकिंग वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और उसके लिए क्या होगा, जो फ्लो प्रोडक्ट उसको भी चौपेट में आएगा, लेकिन जो फील्ड का परफॉर्मेंस है उसको यदि ठीक से मैकेनाइज्ड और हैंड प्लाकिंग दोनों को बैलेंस करके यदि हम लोग कर सकता है तो हम लोग का फर्स्ट क्लास का जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें कुछ कम नहीं आएगा। जैसे भी मैं कोविड 19 के तहत इंडस्ट्री का इम्पैक्ट के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो ये बोल सकता है कि देखिए फास्ट सीजन में जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ लेबर कम अवेलेबिलिटी के होने के कारण में फाइन प्लाकिंग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होने के कारण में थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन जो लास्ट ईयर में हम लोग 9.2 लाख फॉर्मल सेक्टर से प्रोडक्शन लाया, इनफॉर्मल सेक्टर को छोड़ के जो लोग हैंडमेड टी बुटीक टी बनाता है जैसे गांव में लोग बनाता है तो वो छोड़ के जो 9.2 लाख जो हम लोग रिकॉर्डेड प्रोडक्शन हिसाब से जो लास्ट ईयर कांगड़ा इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन देखा, इस साल भी हम लोग उम्मीद कर सकता है जैसे मौसम का जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें वो बरकरार रहने का ही ज़्यादातर चांस है, हम लोग ये बोल सकता है, ये उम्मीद कर सकता है। आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2002 तक कांगड़ा चाय उद्योग बुलंदियों पर था और हर साल यहां से 10 लाख किलो से अधिक चाय का उत्पादन हो रहा था। चाय उत्पादकों के प्रयासों से 1998-99 में चाय उत्पादन के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे और उस साल लगभग 17,11,242 किलो चाय का उत्पादन हुआ था। विभिन्न कारणों से ये ट्रेंड जारी नहीं रह पाया और पिछले कुछ वर्षों से तो चाय का आंकड़ा 10 लाख किलो से भी कम रह रहा था। वर्ष 2003 और 4 में चाय का उत्पादन 7 लाख किलो तक ही सीमित कर रह गया था। ये वो दौर था कि क्षेत्र के चाय उत्पादक अपने व्यवसाय से मुंह मोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने पर मजबूर हो गए थे। इन्हीं कारणों से 2004-05 में चाय उत्पादन अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया था।